गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज मन कर रहा था ब्लॉग शूट करने का क्योंकि हम ना गए। तो देखते हैं अभी कैसा बनता है ब्लॉग। मुझे कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में, फिर भी हम ट्राई करेंगे। आज हमें टोटल 4 कॉल है। अभी पहला कॉल है हमारा जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को सुपरविजन करेंगे, मतलब सब कुछ चेक करेंगे उन लोगों ने किस तरह से इंस्टॉल किया है, ब्रेजिंग के टाइम नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं या फिर नहीं, सब कुछ टोटली चेक करेंगे। उसके बाद हमें जाना है दूसरी साइड पे, वहाँ पे VRV3 इंस्टॉल है तो कुछ इंडोर से साउंड आ रहा है तो वो चेक करेंगे, पुराना सिस्टम है। और तीसरा कॉल है हमारे प्रोजेक्ट पे, जो सिस्टम फिलहाल कमीशन हुआ है लेकिन हम वहाँ पे सर्विस चेकर लगाएंगे 8 घंटे तक, और जो भी डाटा मिलता है उसे रिकॉर्ड करेंगे। और चौथा कॉल है ब्रेकडाउन का, हमें पता नहीं वहाँ पे क्या है, जाके देखेंगे। ये सबसे पहले हमें नाश्ता करना पड़ेगा। तो स्वामी नाश्ते में क्या लेके आए? तेरे के लिए अंडा डोसा लेके आया, मैं इडली लिया, तू अंडा लिया, तेरा लिया। मेरे लिए अंडा डोसा लेके आया हमारे स्वामी, उनके लिए इडली। तो पूरा साउथ इंडियन स्टाइल होने वाला है हमारा। तो चलिए हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गाइस ये देखिए कैसा आया रास्ते में, गधा है वो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले प्रोजेक्ट पे, यही है वो प्रोजेक्ट जो आप पीछे देख रहे हो। और अभी मुझे पता चला कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर ने एक इंडोर गिरा दिया है, लेकिन वो बोल रहे कि फैक्ट्री से त्रुटा हुआ आया है, तो अभी हम चेक करेंगे। तो गाइस ये सामने की तरफ है हमारा प्रोजेक्ट, पीछे तरफ है गार्डन और हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। अभी डोसा, ये डोसा है अंडा वाला, वो भी अंडा वाला डोसा है, और वो हमारे स्वामी के लिए इडली है। इडली यस, नॉट इडली। तो अभी नाश्ता खत्म करते हैं और फिर जाते हैं ऊपर की तरफ। 5 minutes later। तो गाइस अभी साइट विजिट हो चुके हैं और हम ये लेके आए हैं साइट से काट के। उन लोगों ने इसे गलत ब्रेजिंग किया था, आप अंदर देख सकते हो, उन्होंने इसके अंदर का पीस काटा नहीं है, ये रेप नट का पार्ट है। मैं टोटल 2 पीस लेके आया हूँ, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो। तो ये पूरा गलत इंस्टॉलेशन किया है उन्होंने, तो उनको ये सब काटना पड़ेगा। तो उन लोगों को बता दिया मैंने काटने के लिए, एक सैम्पल पीस उनको बना के दिया था किस तरह से लगाना है। अगर इस तरह से रख के मशीन को चालू करेंगे तो मशीन का हाई प्रेशर बढ़ सकता है और इसके अंदर प्रेशर बहुत रिड्यूस हो जाएगा। अभी यहाँ से जाएंगे दूसरी साइड पे जहाँ पे हमें VRV चेक करना है, जिसमें बहुत साउंड आ रहा है इंडोर से, तो अभी जाके चेक करते हैं और देखते हैं क्या है उसके अंदर।
इसमें सब सामान मिलता है, जैसे ग्रोसरी हो, ये सब कुछ मिल जाता है उसके अंदर। अभी आपको पैदल चलने वाले लोग नहीं दिखेंगे ये टाइम में, क्योंकि गर्मी इतनी है कि कोई बाहर भी नहीं निकल सकता है। एसी के बिना कोई ये धूप में नहीं निकल सकता है बाहर। अरे यहाँ पे आप देख सकते हो सब कॉन्ट्रैक्टर ने पाइपिंग इंस्टॉल किया है, लेकिन ये जो सपोर्ट है, क्लैंप है, ये सही नहीं है, ये इन्होंने चेंज करना चाहिए। सपोर्ट टू सपोर्ट 2 मीटर के ऊपर गैप है, एक सपोर्ट यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट वहाँ पे, एक्चुअली बीच में एक सपोर्ट चाहिए। देखिए ये सपोर्ट के बाद डायरेक्ट वहाँ पे, बाकी इन्होंने ये पाइपिंग भी खुला रखा है कुछ इस तरह से, इसे टेप नहीं लगाया या फिर बंद नहीं किया है। जब भी हमारा काम ख़त्म होता है वो टाइम इसके ऊपर टेप मारना चाहिए, नहीं तो ये डस्ट मिट्टी पूरा अंदर जाके ये अपने को दिक्कत दे सकती है। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो, और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।